नवाब के जाने का टाइम आ गया है। नवाब के जाने के बाद इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तू है भाई, एक साथ एक रात में मारना होगा। इतने सारे लोगों को कैसे मारेगा? गेम में बिछाएगा भाई। तो कई सालों बाद बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म आई है जो कि साउथ वालों को बराबर टक्कर देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म आजम का, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आजम का ट्रेलर देखने में पूरी तरह से कमाल का है और बॉलीवुड की जो पिछली पुरानी यादें हैं उन्हें ताजा करता है। एक समय था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर पर ढेर सारी फिल्में बनती थी, लेकिन अभी बीच में ये ट्रेंड चल चुका है साउथ में, और साउथ में हमें पुष्पा, KGF, कब्जा जैसी गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड की फिल्में देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों फाइनली आजम का ट्रेलर ये गारंटी देता है कि इस फिल्म में ड्रामा होगा, एक्शन होगा, थ्रिल होगा और अंडरवर्ल्ड की काली सच्चाई भी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसका ट्रेलर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि फिल्म देखने के लिए ऑडियंस के मन में एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ा देता है। जी हां दोस्तों, यहां पर आजम के ट्रेलर में हमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बैकड्रॉप देखने को मिल रहा है और जहां पर 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मुंबई का अगला डॉन बनना है। अब इन 7ों में से कौन मुंबई का डॉन बनेगा, यही इस फिल्म की कहानी होने वाली है। अब दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म की जो मेन कहानी है वो होने वाली है एक रात में, यानी कि एक रात में फैसला होगा कि आखिर मुंबई का डॉन कौन बनेगा। तो अब ये जो 7ों खिलाड़ी है आपस में किस तरह एक दूसरे से लड़ते हैं और किस तरह का थ्रिल और सस्पेंस हमें फिल्म में देखने को मिलेगा, ये तो पता चलेगा 19 मई को, क्योंकि ये फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब दोस्तों ट्रेलर में यहां पर जिम्मी शेरगिल का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहां पर जिम्मी शेरगिल पूरी तरह से माइंड गेम खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में हमें अभिमन्यु सिंह भी देखने को मिलेंगे जो कि नेक्स्ट डॉन बनना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा फिल्म की जो सपोर्टिंग कास्ट है वो पूरी तरह से पावरफुल है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म में हमें कई सालों बाद इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर रजा मुराद साहब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में आनंद देसाई, अली खान, मुश्ताक खान, आलोक पांडे जैसे कई दमदार एक्टर भी हैं। तो दोस्तों यहां पर फिल्म की स्टार कास्ट इतनी सॉलिड है और ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट है वो तो सभी के बीच में बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों इस ट्रेलर में ये गारंटी मिलती है कि भैया फिल्म के अंदर एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए हैं काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है, कहानी भी अच्छी लग रही है, साथ ही साथ इतनी बड़ी स्टार कास्ट और सभी की सभी स्टार कास्ट काफी मजबूत है। दोस्तों यहां पर आजम का ट्रेलर देखकर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म भी बॉलीवुड की जो पिछली गैंगस्टर ड्रामा फिल्में थी जैसे कि वंस अपन इन टाइम इन मुंबई, सूट आउट एट लोखंडवाला, गंगा जल या फिर जैसे कि कंपनी टाइप की फिल्म हो सकती है, और उन फिल्मों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। तो जिन लोगों को वैसी अंडरवर्ल्ड और एक्शन पैक्ड फिल्में पसंद आई थी उन्हें आजम फिल्म भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मुझे तो ट्रेलर काफी जबरदस्त लगा और मैं इस ट्रेलर को 4 out of 5 star दूंगा। आपने ये ट्रेलर देखा तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।